और वेजिटेबल ऑयल्स के घटते प्रोडक्शन से चिंतित कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि वे भारतीय कंपनियां जो अफ्रीका में निवेश करना चाहती हैं इससे जुड़ी अफ्रीकन कंपनियों में निवेश कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियां अफ्रीकन कंट्रीज में सरकार द्वारा स्थापित फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर्स का फायदा भी उठा सकती हैं। वे फिक्की कॉमर्स मिनिस्ट्री और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री द्वारा आयोजित इंडिया अफ्रीका एग्री बिजनेस फोरम को संबोधित कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की 30 लाख एमएसएमईज को वैश्विक प्रतियोगिता में लाने के लिए राज्य सरकार फेसबुक के साथ मिलकर बूस्ट योर बिजनेस प्रोग्राम लॉन्च करेगी। ये प्रोग्राम राज्य के 5 जिलों में होंगे जिसकी शुरुआत कन्नौज से होगी। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने एसएमई सेक्टर में दोनों देशों के साथ काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है, साथ ही इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन के क्षेत्र में भी सहायता की बात की। ई कॉमर्स सेक्टर की दिग्गज कंपनी अमेजॉन सेलर सर्विसेज ने एसएमईज को वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड करने के लिए सेलर लेंडिंग प्रोग्राम लॉन्च किया। इस प्रोग्राम के तहत एसएमईज 5 लाख से 2 करोड़ तक का लोन पा सकती है। फ्लिपकार्ट भी ऐसा प्रोग्राम लॉन्च कर चुकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि साउथ इंडिया की बड़ी कंपनियों ने राज्य में लगभग 3,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात कही है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार जल्द ही नई लेबर एंड आईटी पॉलिसीज भी घोषित करेगी। वे चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे।